जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। इसारवासियों के लिए बड़ी खबर है। इसारवासियों की होली पर बढ़ेगी पानी की किल्लत, विभाग ने की तैयारी। आखिर किस कारण पानी की किल्लत बढ़ेगी? कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। गर्मी शुरू होने के साथ ही शहर में पेयजल संकट हो सकता है। 25 मार्च से नहर बंदी होने जा रही है, जो 18 अप्रैल तक रहेगी। इसमें 24 दिन तक शहर और गांव में पानी का संकट रह सकता है। होली से शहर में पानी की किल्लत आएगी। हालांकि पब्लिक हेल्थ इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। शहर के चारों जलघरों से रोज करीब 74 लाख गैलन पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन नहर बंदी के चलते यह सप्लाई आधी रहने की संभावना है। वाटर राशनिंग के तहत सप्लाई की जाएगी। अगर आपको 100 लीटर पानी मिलता है तो यह मात्रा घटकर आधी यानी 50 लीटर रह जाएगी। जलघरों के आसपास बोरिंग कराकर समरसिबल पंप लगाए जा रहे हैं। कुछ जगह पहले से लगे हैं। इन ट्यूबवेलों के पानी का टीडीएस ठीक होगा तो जलघर के पानी में मिलाकर सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा टैंकरों के जरिए शहर में आपूर्ति की तैयारी हो रही है। हालांकि गाँव के लिए दिक्कत रहेगी। हम आपको बता दें कि महावीर कॉलोनी जलघर, स्कोट जलघर, कैमरी रोड जलघर, आजाद नगर जलघर, ये चार ऐसे स्टोरेज सप्लाई है जहां वाटर की स्टोरेज की जाती है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि प्रदेश में नहरों की मरम्मत और सफाई, साफ सफाई को लेकर हर साल नहर बंदी की जाती है। नहर विभाग और जल स्वास्थ्य विभाग भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड को कनौजा प्रस्ताव बना भेजता है। अनोरी एंड के से धीरे धीरे पानी रोका जाता है। नरवाना एंड पर पानी पूरी तरह से बंद किया जाता है। संजीव कुमार त्यागी एक्शन है जो पब्लिक हेल्थ के, उन्होंने कहा कि कनौजर के लिए बीबीएमबी का पत्र लिखा दिया है। साफ आई और मुरम्मत के चलते नहर बंदी 25 मार्च से की जा रही है, 18 अप्रैल तक रहेगी। इससे शहर में पानी की किल्लत तो हो सकती है, लेकिन विभाग भी इसको लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। आजाद नगर जलघर पर 2 समरसिबल पंप लगवाए गए हैं, टैंकर भी तैयार किए हुए हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।